आंखें क्लोज कर लो और अब धीरे धीरे सांस लो और छोड़ते टाइम बोलना निताई बोलो निताई। अब जब सांस छोड़ोगे तब जब ये निताई बोलोगे तो उस पे ध्यान लगाना है। जैसे हम पढ़ते हैं ना ए फॉर एप्पल तो हम पे ध्यान लगाते हैं, ए का मतलब एप्पल होता है, वैसे ही उस पे ध्यान लगाना है साउंड का अपने अंदर। उससे क्या होता है आपकी सोच के समझने की शक्ति बढ़ती है और कंसंट्रेशन पावर एकाग्रता बढ़ती है। ठीक है, एकाग्रता बढ़ने से क्या होगा कि आप चीजें जल्दी याद कर सकोगे, देर तक याद रख सकोगे और आपकी जब एग्जाम होगी तो आपको सब याद रहेगा, है ना। और इससे क्या होता है कि थोड़े आप ये 15-20 मिनट तक करोगे ना सुबह उठ के तो आपको शांति दिमाग में शांति महसूस होगी। आजकल सब कुछ फास्ट है तो हर किसी को शांति चाहिए ना, तो एकदम आपका रिलैक्स हो जाएगा माइंड। रात में सोने से पहले करोगे 15 मिनट तो क्या होगा, अच्छी नींद आती है, बहुत अच्छी नींद आती है। ऐसे ख्याल आते हैं बहुत सारे इधर उधर के आते होंगे ना, मम्मी ने ये नहीं खिलाया, ये नहीं किया, मैं फिर नींद नहीं आती होगी, ऐसा भी होता है कई बार। तो जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे हम धीरे धीरे करते रहते हैं तो उससे क्या होगा कि हमारे जो ख्याल है ना वो हमारे पे इतना प्रभाव नहीं डालेंगे। और ये सब बड़ों के लिए भी है, ठीक है, क्योंकि आजकल की लाइफ ऐसी है भाग दौड़ वाली, तो जैसे हम बड़े हो जाएंगे तो हमारा दिमाग जो है स्ट्रांग हो जाएगा। जैसे योगा करने से बॉडी स्ट्रांग हो जाती है, तो अगर दिमाग स्ट्रांग रहेगा तो हम जो भी चाहे कर सकते हैं आसानी से, है ना। आपने सुना होगा कई लोग मेंटली परेशान हो जाते हैं, दिमाग की बीमारी हो जाती है, बहुत कुछ हो जाता है, तो क्योंकि वो इतना हर चीज को सहन नहीं कर पाते ना। जिंदगी में तो बहुत कुछ होता है तो हमें कैसा बनना है स्ट्रांग एकदम। तो इसलिए हम अगर रोज ही प्रैक्टिस करेंगे, हम अब 10 मिनट प्रैक्टिस करेंगे तो कैसे करना है एक जना पहले बताओ, कौन बताएगा, हाथ खड़े करो, ये बताएगी पहले, चलो करके बताओ। आंखें बंद करके बैठ के सीधे बैठ के बताना है आपको, मैं करके करके दिखाओ। निताई, इतनी जल्दी नहीं, धीरे धीरे बोलना है, फिर से करो, अच्छा किया आपने। निताई, पहले स्वेटर था, चलो सब लोग करेंगे, ओके 10 मिनट्स तक, ठीक है, मैं भी करूंगी। चलो आईज क्लोज करो सब लोग, सांस अंदर लो, अब बोलो नीता। Yeah.
तुम मिठाई बोल का कान में उंगली लगा रहे हो। एक बात बताओ, जब हम बहुत टेंशन में होते हैं, एग्जाम की टेंशन आ गई, तो हमारी सांस तेज हो जाती है ना, तो सांस जो है वो दिमाग तक सारे जितने भी हमारे बॉडी के अंदर पार्ट्स है ना उनमें पहुंच नहीं पाती है। तो सांस हम अगर धीरे करेंगे, ये जो बता रही हूँ मैं, ये साइंटिफिकली टेक्निक है, अगर सांस हम धीरे धीरे लेंगे तो हमारे पूरे पार्ट्स जो बॉडी के हैं, जैसे हार्ट हुआ, हमारे लंग्स हुए, और ऑक्सीजन, सब ऑक्सीजन पता है ना, ऑक्सीजन हमारे जरूरी है, तो सबके माइंड तक जाएगी अच्छे से, तो हम रिलैक्स फील करेंगे एकदम शांति से। तो इसलिए जब भी आपको जैसे लगे ना टेंशन हो रही है एकदम से, तो क्या बोलते हैं, आपने देखा होगा, लंबी सांस लो, छोड़ो, ऐसे करवाते हैं ना। क्यों करवाते हैं? क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो ये अगर आप सुबह करोगे ना, इसका मतलब क्या है कि आप सांस धीरे धीरे लेने की प्रैक्टिस करोगे, और जब छोड़ते हो ना, तो इस वर्ड पे जब फोकस करोगे, आप कंसंट्रेट करोगे, तो आप आपके जो ख्याल है बाकी के, उनसे कैसे आपको मतलब कैसे आपको निजात पानी है, तो वो पता चलेगा आपको, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपका ब्रेन स्ट्रांग होगा। जैसे कई बार क्या होता है कि हम इतने कंफ्यूज हो जाते हैं, दिमाग में कंफ्यूजन हो जाती है कि ये करूं नहीं करूं, फिर फालतू के चलते हैं थॉट्स। थॉट्स पता है क्या होते हैं? विचार, पता चलते हैं कि ये करूं ये नहीं करूं, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर हमें समझ नहीं आता कुछ। उससे क्या होता है, हमारी एनर्जी भी डाउन हो जाती है ना, कुछ करने का मन नहीं करता, नींद नहीं आती है। तो ये सब बड़ों के साथ भी होता है, ये सब नॉर्मल प्रॉब्लम है। तो इसके लिए हम रोज, इसका क्या मतलब है, अगर रोज हम एक चीज को प्रैक्टिस करेंगे, आप कुछ याद करोगे रोज, तो याद होगा ना आपको, तो आप ये रोज करोगे, तो आपको जब भी आप ऐसे परेशान होंगे, परेशान तो हमेशा परेशानियां होंगी ना, तो परेशान जब होंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि आप इसको कैसे, इसको उससे बाहर निकल सकते हैं। जैसे कि आप, मुझे क्लियरेंस आएगी, जैसे डिसीजन लेना क्या होता है कि अब जैसे आपको मैंने कहा कि पेंटिंग बनानी है ना, तो सब लोग बोलेंगे कि मैं तो जैसे उस जो लड़का है उसकी पेंटिंग बनाऊंगा, और कोई बोलेगा मैं नेचर की पेंटिंग बनाऊंगा, सबका अलग अलग सोचने का तरीका है ना। तो सब क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे ये बहुत सारी पेंटिंग है, तो यहाँ से आपको बोल दिया जाए कि इसमें से एक पेंटिंग आपको बनानी है, तो आपको डिसीजन लेना है ना, उसमें से एक चूज करना है। बहुत सारी पेंसिल्स हैं, उसमें से आपको एक पेंसिल लेनी है, तो आप जिसको पिंक कलर पसंद होगा तो पिंक वाली पेंसिल लेना ना। तो वैसे ही हमारी लाइफ में जो जितनी भी चीजें हैं, तो हमें सोचना पड़ेगा ना कि कौन सी हमारे लिए अच्छी है। तो उस चीज को जब आप सोचोगे, तो बहुत सारे विचार आएंगे कि ये लू ये भी मन कर रहा लेने का, है ना, तो कुछ समझ नहीं आता है। ऐसी बहुत सारी चीजें, ये तो छोटे बता रही हूँ। जैसा अभी आप लोग सॉन्ग में लू, डांस में लू, सब जो ही मिल लेते हैं, जो ही चलता के साथ डांस में ले लेते हैं। ओके, तो हमें ये प्रैक्टिस करने से क्या होगा कि आप रिलैक्स फील करोगे। जब आप बताओ सुबह उठते हो, सुबह सब लोग उठते होंगे ना, तो सबसे एनर्जेटिक होते होंगे, फील अच्छा अच्छा फ्रेश फ्रेश फील करते होंगे सुबह उठ के ना। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग बिल्कुल शांत है, इसलिए ये जो मैंने प्रैक्टिस कराई है सुबह करना, ठीक है। और धीरे धीरे सांस लेना, और फिर जब सांस छोड़ोगे तो निगाहें खींचना है, लंबा बोलना है, और जितने भी विचार आएंगे उसको नॉर्मल लेना है, आने दो। मतलब जो भी, जैसे कि आज मुझे मम्मी ये खिला रही है, ये विचार आ गया, आज मेरे को एप्पल खा रहे हैं। मम्मी क्या क्या बनाती है, मम्मी क्या बनाती है, जैसे किसी को आलू की सब्जी पसंद है ना, तो मम्मी आलू की सब्जी बना रही है, तो अभी किसी के मन में विचार आ रहा होगा कि आलू की सब्जी बना रही है मम्मी, है ना, इधर ध्यान जा रहा है ना आलू की सब्जी पे, और आप एग्जाम आए, मम्मी ने कहा कि पहले पढ़ाई करनी है ना, आलू की सब्जी बाद में खानी है, तो ये ध्यान हमारा उधर चला गया ना, तो हमें ध्यान कहाँ लाना है, पढ़ाई में। मतलब ऐसे बहुत सारी चीजें जहाँ हमें अपना ध्यान लाना है, लेकिन हमारा ध्यान तो चला जा रहा है कहीं और। तो उसके लिए क्या होता है, हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है रोज, और ये लाइफ टाइम तक करते हैं, बूढ़े बूढ़े लोग भी करते हैं ऐसी बहुत सारी। ये तो एक टेक्निक है, मैंने आपको जो बताई है, जैसे साइंस पढ़ते हो आप, साइंस पढ़ते हो ना, तो साइंस में जो बताया जाता है कि साइंस में जितने भी प्रयोग किए जाते हैं ना, पता है प्रयोग क्या होता है, जो भी साइंस में विज्ञान कौन पढ़ता है, विज्ञान की बुक होगी किसी की,
है ना पढ़ते होंगे ना, उसमें अलग अलग प्रयोग करते होंगे, बहुत सारी चीजें लिखी है, वैसे ये निकाला हुआ है जो मैंने आपको बताया, ये बहुत अच्छा है। और जैसे बड़े हो जाओगे ना, अगर आप अभी से करोगे तो आप बड़े होंगे, आपका दिमाग स्ट्रांग हो जाएगा। आप जो ये बताया मैंने, इससे क्या होता है कि जब हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, छोड़ते टाइम ये वर्ड बोलते हैं, तो इस वर्ड से क्या होता है कि हमारा स्टमक में सोलर फ्लेक्सर होता है, तो वो ही हमारा हमें एनर्जी देता है। जैसे कि जैसे ये है ना, ये हमारा डमी है, तो डमी से ही हमें ये हमारी बॉडी है, माना ये हमारी बॉडी है कोई, ठीक है, तो ये स्टमक से सारी एनर्जी जाती है दिमाग में, सारे पार्ट्स में। तो जब हम इसकी निताई की प्रैक्टिस करेंगे ना, तो सांस तो यहाँ से लेते हैं, इधर से होते हुए, जैसे आप ध्यान लगाओगे, ध्यान लगाना है आपको, जब निताई बोलोगे तो ध्यान लगाओगे तो नीचे से सांस लेते हैं हम, अंदर 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 को लेते हैं, तो अंदर जाती है यहाँ तक पेट तक, तो उसी से हमें एनर्जी सर्कुलेट होती है पूरी इसमें बॉडी में। तो इस हम ये प्रैक्टिस इसलिए कराते हैं क्योंकि आप जो है वो डाउन फील ना करें, मतलब लो हो जाती है ना कई बार एनर्जी, थका थका सा महसूस करते हैं हम, तो उसके लिए ये एनर्जी हमारी अच्छी कर देता है, इसलिए होता है। और थकते हम कब हैं, दो चीजों से, जैसे या तो हम खेल रहे होते हैं तब भी थक जाते हैं ना, ये बहुत चले हम तो हमारी बॉडी थक गई तो है ना, पर दिमाग कब थकता है, दिमाग जब हम बहुत सोचते रहते हैं ये भी करना है ये भी करना है, और फिर कंफ्यूज हो गए ना, और फिर हमारी हमें लगता नहीं कि हम थोड़ा वीक लगता है, हमें लगने लगता है ना, बॉडी भी हमारी वीक हो जाती है, तो इसलिए हमारा हमें अपना दिमाग स्ट्रांग करना है ताकि हमारी बॉडी भी सही रहे और दिमाग भी सही रहे। तो हमें क्या, योगा भी करना है और ये मेडिटेशन भी करनी है, ठीक है, ध्यान भी लगाना है। तो अभी से आप करोगे ना तो बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, घर पे भी बताना सबको, और कुछ समझना है ना तो ये दोस्त सारे हैं मैम है वो, उनसे पूछना, ये मैं आऊंगी तब मैं बता दूंगी, ठीक है, गलत मत करना, ओके। धीरे धीरे से सांस लेनी है और छोड़ते टाइम निताई बोलना है, ओके। सुबह उठ के करेंगे सब लोग रात को, आईज बंद करके स्ट्रेट बैठ के सीधा, ओके। ये तो बिगनर्स के लिए, छोटे बच्चों के लिए ये, इससे बड़े और लेवल का भी होता है जब आप ये कर लोगे ना, उसके बाद बाकी को भी बताएंगे आपको, ओके। अच्छा लगा करके, अच्छा लगा, कितने 10-15 मिनट करना रोज, ठीक है, सब लोग, मैं भी करती हूँ सुबह के, ओम की भी करती हूँ मैं, एक ओम की प्रैक्टिस भी करते हैं, सब लोग करते हैं, बड़े लोग भी करते हैं, जैसे आप ये सीख जाओगे ना, जो ये भी योगा का पार्ट है, आवाज तेज करने की, हाँ, उससे हंसने से क्या होता है कि हम हमारा स्ट्रेस भूल जाते हैं, आवाज भी स्ट्रेस रिलीफ हो जाता है, हमें हंसना चाहिए इसलिए, बहुत आप लोग हंसते हो, स्माइल करनी चाहिए, हंसना चाहिए, खुद को खुश रखना चाहिए, खुद को खुश रखना चाहिए ना, उदास करके क्या होगा, ठीक है, समझ आ गया सबको, समझ आ गया, कुछ क्वेश्चन है किसी के पूछना है, कुछ अगर कुछ पूछना होगा मैं नहीं होगी तो सर से या मैम से पूछ लेना, ओके, ठीक है, सब करेंगे, मैं भी अभी इन्हें आऊंगी पूछने की कर रहा है कोई नहीं कर रहा ना, नहीं कर रहा होगा तो फिर जो नहीं करेगा ना तो उसको बाद में भी प्रॉब्लम होगी, आपको लगता है कि आपको स्ट्रांग बनना है या वीक बनना है, फिर आपको करना है ना, कोई कंफ्यूजन होगी तो पूछना, ओके। जैसे आप बड़े होते जाओगे ना तो आपको क्वेश्चंस आएंगे बहुत सारे, है ना, जैसे आप बड़े हो जाओगे कंप्यूटर चलाते हो सब लोग, कंप्यूटर पे यूट्यूब पता है सबको, देखते हैं उसमें ना, उसमें से भी आप जो भी आपको डाउट्स हो कंफ्यूजन हो उसमें टाइप करके डाल करके सर्च करके, बहुत सारे लोग बड़े बड़े लोग हैं वो बताते हैं अच्छे से चीजें जो आपको समझ नहीं आती है, वहां से भी देख सकते हो, लेकिन अभी आप छोटे हो धीरे धीरे करोगे तब आएगा, ओके। जैसे ABCD पढ़ते हो फिर उसके बाद A for Apple आता है,
फिर नेक्स्ट क्लास में जाते हो तो वैसे समझ आता है, तो ये भी वैसे आएगा तुम्हें। ओके, ठीक है, शुरू।